सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग छवम वर्ग का अतीत से वर्तमान किताब का चौथा अध्याय प्रथम कृषक एवं पशुपालक का जो है क्वेश्चन का जो है अवलोकन करेंगे, इसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हमने इस अध्याय को आप लोगों को समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग का अध्याय समझ में आया होगा और उसे जो भी हमने फिर आप लोगों को बना रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, उसको आप लोग याद कर रहे होंगे और अपने फिर के कॉपी में लिख रहे होंगे। बच्चों, आप लोग जो है इस अध्याय को अपने घर पर दो चार बार निश्चित रूप से पढ़ेंगे। करा है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि प्रथम जो कृषक थे वह एक जो कृषक आरंभ हुई कृषि करने की जो आरंभ हुई कृषि कार्य जो है वह एकाएक नहीं हुई, उसमें बहुत ही लंबे प्रक्रिया और बौद्धिक क्षमता का जो है धीरे धीरे विकास हुआ, उसी का जो है परिणाम है कृषि। तो बच्चों, कृषि जो है बीज जो है प्राकृतिक रूप से जो है पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी पर विद्यमान थे और उसे जो बीज गिरते थे, बीजों से जो है पेड़ पौधे अंकुरित होते थे, अंकुरित होने के बाद वो धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेते थे और वृक्षों में जो है फल फूल इत्यादि लगते थे। ये जो है एक ध्यान आकृष्ट होने का और जो एक बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, जिसे कृषि कार्य कहा जाता है। तो बच्चों, कह रहा है सुमेलित करें, क्वेश्चन इसे चलते हैं सुमेलित करें। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए चिरान चिरान जो है यहाँ पे मेहरगढ़ तो बच्चों, ये मिलान करने में आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस हैं, कौन आए इधर लिखे हैं चिरान, मेहरगढ़, भुजहोम, कोलीमा, इसमें इधर लिखे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पाकिस्तान, कश्मीर। तो बच्चों, इसको मिलाना है कि ये जो है किससे मेल खाता है, तो इसे मिलाएंगे। चिरान जो है बिहार में स्थित है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, भुजहोम कश्मीर में है, कोंडीमा उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों, ये आप लोग जो है इसे मिला लें, जैसे कि यहाँ दिया है चिरान जो है बिहार में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, भुजहोम जो है कश्मीर में स्थित है, कोंडीमा जो है उत्तर प्रदेश में है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम जो है चिरान, कोंडीमा, मेहरगढ़ और भुजहोम वगैरह के जो है बारे में आप लोगों से व्याख्या कर चुके हैं, आप इसे फिगर बुक में लिखेंगे। बच्चों, आप लोगों को बता दें कि चिरान जो है यह बिहार में है, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे चावल का प्रमाण हमें मिला था। और जो है बता देते हैं, कोलडीमा है, मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में भी चावल चिरान में गेहूं का मिला था, मेहरगढ़ में चावल का मिला था गेहूं का, और
इसमें से गेहूं किया है, यहाँ पे गेहूं तलहन कुत्ता इत्यादि भेड़ बकरी पाले जाते थे, वहाँ पे जैसे व्याख्या की गई है। कोल्डीमा जो है उत्तर प्रदेश में है, और कोल्डीमा के बारे में जहाँ पे चावल जानवर को हड्डियों की प्राप्ति हुई थी। तो बच्चों इसे फिर लिखिए। एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मौखिक बताते हैं, कह रहा है खेती की शुरुआत कैसे हुई। तो खेती की शुरुआत जो है मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार हुई, ठीक ना। मनुष्य जो है पेड़ों से जो है फल जो गिरे हुए थे, बीज गिरे हुए थे, वे बीजों से जो है दाने अंकुरित हुए। वह मनुष्य जो है देखे कर जो हम लोग खा रहे हैं, खाने के बाद वो बीज फेंक रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वो अंकुरित हो रहा है, उसमें से जो है अंकुरित होने के बाद पेड़ पत्ते जो डालियाँ निकल रही हैं, कुछ दिनों के बाद जो है उसमें फल फूल लग रहे हैं। तो ये मनुष्य को दर्शाया कि हम लोग जो है जंगलों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो क्यों ना जो है इसी बीज को रोप दें धरती में, और रोपने के बाद जो है इससे जो जो हमें जो है फल फूल की प्राप्ति होगी, उससे हम लोग को सुविधा होगी है। तो ये एक क्रमिक विकास है, ये बहुत ही स्लो मोशन से और धीरे धीरे हुई, जो कि आज के युग में आधुनिक कृषि का रूप ले लिया है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन में खेती के बाद क्या परिवर्तन आए। तो बच्चों मानव जीवन में खेती के बाद जो है अनेकों परिवर्तन आए। मनुष्य जो है अपने दिनचर्या का जो है संगठित करने लगा, खेती कार्य करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ी, जो संगठित होने लगा, और जो है अनाज को रखने के लिए घरों की जरूरत पड़ी, इसलिए झोपड़ी वगैरह जो है मकानों का निर्माण करने लगा। तो बच्चों यह एक बौद्धिक क्षमता का क्रमिक विकास को दर्शाता है, ठीक ना। तो बच्चों इसे आप लोग लिख लें, और लिखने के बाद जो है अगले वीडियो में आगे तरफ हम लोग चलेंगे और चर्चाएँ करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।